हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको बहुत ही सारी शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। और मैंने सोचा कि आज का दिन तो ऐसे फीका फीका नहीं जाने देंगे, क्योंकि आज के दिन ही हमारा देश इंडिया आजाद हुआ था, तो कुछ सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और खास बात तो ये है कि आज हमारे लॉस सैंटोस के कर्नल ने हमें मिलिट्री बेस कैंप में बुलाया है, क्योंकि वहां पे थोड़ी देर बाद हमारे फ्लैग तिरंगा को लहराने वाले हैं। और कर्नल ने तो हमें खास बुलाया है, क्योंकि वो हमारे बिना फ्लैग लहराएगा ही नहीं। लेकिन ये शिनचैन और चॉप कहाँ पे है? अबे शिनचैन और चॉप, तुम दोनों कहाँ गए? सर फ्रैंकलिन भाई, हम तो नीचे है यार, आप भी पता नहीं छत पे क्या कर रहे हो। अबे बुद्धू, तुम दोनों भूल गए क्या, हमें अभी मिलिट्री बेस कैंप जाना है। सर फ्रैंकलिन भाई, हम उसी के बारे में तो बात कर रहे थे यार, कि कर्नल ने आपको बुला कैसे लिया। अबे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अबे कलू है यहाँ पे, सीधा सीधा देख, अपनी शक्ल देख और हमारी शक्ल देख, हमें तो वो कर्नल बुला सकता है, लेकिन तेरे को कैसे बुला लिया? अबे ओ चौप के बच्चे, बताऊं तुझे अभी, गाइस देखना कितना ज्यादा फालतू बोल रहे हैं। खैर गाइस, ये दोनों तो बोलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। मेरे पास एक ऐसी कार है जिसको देखने के बाद आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि उस कार के ऊपर मैंने दो दो इंडियन फ्लैग लगाए हैं। अरे फ्रैंकलिन भाई, तुमने नहीं, हमने लगाए थे यार, देखना कैसी बातें कर रहे हैं ये। अबे हाँ, तुम लगाओ मैं लगाऊं, यार एक ही तो बात है, आप जल्दी से बाहर आओ, क्या कर रहे हो। तो गाइस यार, क्या आप सभी लोग रेडी हो वो कार देखने के लिए, जिसको देखने के बाद तुम्हारा दिल बहुत खुश होने वाला है? अरे फ्रैंकलिन भाई, इतना इंतजार मत कराओ यार सबको। अबे हाँ कलुए, इतना इंतजार कराना ठीक नहीं होता। अबे हाँ शिनचैन चॉप, सही कह रहे हो। तो गाइस यार, कार देखने से पहले तुम सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जाके जल्दी से इंडिपेंडेंस डे या 15 अगस्त लिख दो। हाँ गाइस यार, जल्दी जल्दी लिख दो। तो ओके गाइस, अब फाइनली वो कार आप लोग देखने वाले हो। ये देखो कितनी ज्यादा तगड़ी कार लग रही है, और इस कार के आगे मैंने दो दो फ्लैग लगा दिए, वो भी हमारे इंडिया के। अबे कलुए, ध्यान से देखा जाए तो कार तो कुछ ज्यादा ही तगड़ी लग रही है। अबे हाँ चौप, ये कार कुछ ज्यादा ही तगड़ी है, और देख रहा है कितनी ज्यादा लंबी है। अरे फ्रैंकलिन भाई, ठोक मत देना यार, हमारा घर बिक जाएगा। अबे तू पागल, डरा पहले थे, अब तुम इंतजार किसका कर रहे हो? जल्दी से कार में बैठो, कर्नल हमारा इंतजार कर रहा होगा। अरे फ्रैंकलिन भाई, चलो चलो हम बैठ गए। अबे चौप, तू तो बैठ जा। ओबे कलुआ, तुझे पता तो है मैं कार के ऊपर सेट हो जाता हूँ, फिर भी बोले जा रहा है। अरे हाँ गाइस यार, ये एक तो चौप का बच्चा जिस कार के भी देखो उसके ऊपर चढ़ जाता है। अरे क्या कर रहे हैं? अरे अंकल हट जाओ, क्या कर रहे हो? अरे फ्रैंकलिन भाई, कार के अंदर स्क्रैच मत डाल देना यार, क्योंकि ये वाली कार कुछ ज्यादा ही मस्त लग रही है। अबे हाँ शिनचैन, मुझे मत सिखा, मुझे कार चलानी आती है यार। अरे फ्रैंकलिन भाई, मेरी बात मानो तो सामने वाली दुकान पे रोक लेना यार, कुरकुरे और चिप्स पैक करा लेंगे। अबे तू पागल हो गया है क्या? हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि कर्नल हमारा इंतजार कर रहा होगा, और उसने खास कहा था कि सबसे पहले वहां पे हमें ही आना है, क्योंकि कर्नल हमारा इतना खास दोस्त जो ठहरा। अबे कलुआ, तू किस ख्यालात में है? तेरे को तो वो देखता भी नहीं है, वो तो शिनचैन और मेरे को बुलाया था, उसने तो सोचा तेरे को भी बुला ले। अच्छा बताऊं, अभी यही छोड़ के भाग जाऊंगा। गाइस देख रहे हो, ये चौप का बच्चा कितना ज्यादा बोलता है। और गाइस यार, जब हम लोग मिलिट्री बेस से फ्लैग लहरा के आ जाएंगे, तो हमें अपने घर पे भी इंडिया का फ्लैग लहराना है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई, घर में तो हम आने के बाद लहरा लेंगे, लेकिन आप जल्दी से मिलिट्री बेस चलो यार, वरना वो कर्नल आपको लहरा देगा। अबे हाँ शिनचैन, तू सही कह रहा है। गाइस एक काम करते हैं, जल्दी से मिलिट्री बेस कैंप चलते हैं। तो लेट्स गो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मिलिट्री बेस कैंप के पास। अरे फ्रैंकलिन भाई, ये सब तो ठीक है यार, आपने सिस्टम बिठाया नहीं बिठाया पतंग वतंग का। अबे शिनचैन, वैसे लॉस सैंटोस में तो कोई पतंग उड़ाता ही नहीं है, ना यहाँ पे मैंने किसी शॉप पे देखा। अरे तो फ्रैंकलिन भाई, क्या हो गया यार, घर में सिस्टम बिठा लेंगे, खुद से बना के खुद ही उड़ा लेंगे यार। अबे तेरी ये बात भी ठीक है। अबे शिनचैन, लेकिन मैं कैसे उड़ाऊंगा, मेरे तो 4 पैर है। अरे चौप, तुम बस देख लेना यार, और आई वो चिल्ला देना। अबे अबे तुम दोनों चुप हो जाओ, हम दोनों मिलिट्री बेस कैंप में आ चुके हैं। अरे फ्रैंकलिन भाई, ये देखो यार, यहाँ पे तो टैंक वैंक चल रहे हैं बहुत सारे। अबे हाँ शिनचैन, ये लोग परेड की तैयारी कर रहे हैं, बस हमें जल्दी से कर्नल को ढूंढना है। एक तो ये मिलिट्री बेस कैंप है भी इतना बड़ा, भाई साहब कितना बड़ा टैंक है। अबे कलुए, टैंक को छोड़ दे, कर्नल तेरे को इसी से उड़ा देगा, जल्दी उसके पास चल। अबे हाँ चौप, सही कह रहा है। अरे ये कहाँ गया कर्नल का बच्चा?
बच्चा कहीं मिल ही नहीं रहा। अरे फ्रैंकिन भाई जल्दी लेफ्ट में देखो, लगता है कि वहाँ पे कर्नल खड़ा ही है, जल्दी चलो। अरे हाँ गाइस, शिनचैन तो सही कह रहा है, कर्नल तो ये खड़ा। अरे अरे फ्रैंकिन मेरे खास दोस्त, कैसा है मेरे भाई? अरे कर्नल बहुत ही बढ़िया। अरे कर्नल अंकल कैसे हो आप यार? अरे शिनचैन बेटा मैं भी बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? अरे मैं भी एकदम चंगा हूँ यार। अरे कर्नल भाई साहब, तूने मेरे बिना फ्लैग लहरा तो नहीं दिया ना? अरे फ्रैंकलिन कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ। वैसे तुम्हारी कार तो बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ वो कार तो बढ़िया ही है। अबे शिनचैन कहीं हमारी कार ना मांग ले। अरे मांग रहे तो यार कर्नल है वो। अबे पागल, बहुत महंगी कार है ये। अरे फ्रैंकलिन, तुम्हारी कार पे तो मेरा दिल ही आ गया, क्या मैं इस कार को रख सकता हूँ? हाँ कर्नल तुम रख सकते हो, वैसे ये कार मैं तुम्हारे लिए लेके आया था गिफ्ट में। अरे क्या बात कर रहा मेरे दोस्त, तुम इतनी बढ़िया कार मेरे लिए लेके आए थे? अबे हाँ हाँ तू मेरा दोस्त है यार, तेरे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। ये देख इसमें मैंने कैसे दो दो तिरंगे लगाए हैं। अरे हाँ तभी तो मुझे कार इतनी बढ़िया लग रही है। अरे हाँ हाँ आप जिस चीज के लिए आया वो तो कर, यहाँ पे जल्दी से तिरंगा लहरा दे, वो भी बहुत बड़े वाला। तो गाइस यार इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे तिरंगा लहरा दिया है, और गाइस कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है हमारा प्यारा तिरंगा। अरे हाँ फ्रैंकिन भाई, इसको देख के कितना सुकून मिल रहा है यार, इसी दिन को हम आजाद हुए थे। हाँ शिनचैन मेरे भाई। तो गाइस यार अब एक काम करते हैं, हम लोग अपने घर पे भी चलते हैं और वहाँ पे भी ऐसे तिरंगा लहराते हैं। अरे मेरे दोस्त इतनी जल्दी तुम घर में जाओ? अरे कर्नल मेरे दोस्त, हमें अपने घर पे भी ये फ्लैग लहराना है। अच्छा अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो हमारा पूरा मिलिट्री बेस कैंप घूम के फिर जाओ। हाँ ये भी बात ठीक है, लेकिन ये तो बता तूने तो मेरी कार रख ली, अब मैं किस कार में जाऊँ? अरे अरे उसके पीछे बहुत सारी कारें पड़ी है, जो मन में आए ले जाओ। अच्छा चल ठीक है। अबे चौप कार के साथ चिपका रहेगा क्या, नीचे तो उतर जा। ओबे कलू है, कार बहुत तगड़ी लग रही है भाई, कुछ भी बोलो। अबे हाँ वो तो है, अब क्या फायदा, कार तो हमारे पास रही नहीं, आ जा। तो चलो गाइस हम लोग इस कर्नल की कार में बैठ चुके हैं, वैसे ये कार भी बढ़िया लग रही है। अरे फ्रैंकलिन भाई मिलिट्री वालों की कार है यार, बढ़िया तो होगी। चौ फ्रैंकलिन तुम आराम से जाना घर, और कोई दिक्कत विक्कत वाली बात हो बता देना। अरे हाँ हाँ कर्नल मेरे दोस्त थैंक यू, और यहाँ पे कोई परेड परेड नहीं हो रही क्या? अरे हाँ हाँ हो रही होगी, वहाँ पे वो लोग अपनी तैयारी कर रही होगी, देख के आओ। अरे फ्रैंकलिन भाई आप देख रहे हो यार, ये कितना ज्यादा बड़ा प्लेन है। अबे हाँ शिनचैन, अभी ये सब कुछ परेड में काम आएगा। नहीं और गाइस तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे कितने ज्यादा वेपन्स रखे हुए हैं, अबे ठोकेगा क्या भाई ये मेरे को? अरे फ्रैंकलिन भाई सामने देखो यार, ये सारे आर्मी वाले परेड की तैयारी कर रहे हैं। अबे हाँ शिनचैन, और गाइस देख रहे हो कैसे लाइन में एक साथ पैर उठा रहे हैं। तो गाइस एक काम करते हैं जल्दी से घर चलते हैं। अबे कलुआ मुझे तो देखने दे, खुद खुद देख के भाग रहा है। अबे चौप हमें अपने घर पे भी फ्लैग लहराना है यार, वरना लेट हो जाएंगे, फिर शाम को पतंग भी तोड़ानी है। लेकिन यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से था? अबे यार एक तो ये टैंक को देख के मैं डर जाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भाई कहीं हम खो तो नहीं गए? अबे शिनचैन कैसी बातें कर रहा है, गेट ये तो रहा और ये क्या? अरे फ्रैंकलिन भाई ये क्या कर दिया आपने, मिलिट्री वाले को उड़ा दिया, जल्दी भागो वरना वो कर्नल आपको नहीं छोड़ेगा। अबे शिनचैन किसी ने देखा नहीं है, जल्दी भाग यहाँ से। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं, अब हम लोग सबको बुला के जल्दी से अपने घर पे भी तिरंगा लहराते हैं। अरे फ्रैंकलिन भाई माइकल अंकल और ट्रेवर अंकल आ गए होंगे क्या? अबे शिनचैन मैंने फोन तो कर दिया था भाई, आ ही गए होंगे। नहीं ये काम कर जल्दी आ, देख के आते कि वो लोग घर पे आए नहीं आए। गाइस यार देखने में लग तो नहीं रहा आए, लेकिन मैंने उन्हें तो सुबह ही बोल दिया था, ये सारे इतना लेट कैसे कर सकते हैं? और एक सेकंड, अरे फ्रैंकलिन भाई ये सारे तो हमसे पहले आ चुके हैं यार। अरे अरे फ्रैंकलिन मेरे भाई इतनी देर कहाँ लगा दी थी यार? अरे यार वो सब छोड़ो, एक काम करो तुम लोग जल्दी से छत पे आ जाओ, अब हम लोग अपना तिरंगा लहराते हैं। तो गाइस यार फाइनली हम लोगों ने भी अपने घर के ऊपर तिरंगा लहरा दिया है। अरे फ्रैंकलिन भाई वो देखो यार, हमारा महान तिरंगा कितना बढ़िया लहरा रहा है। अरे हाँ गाइस यार हमारा तिरंगा कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है। तो गाइस अब एक काम करो, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट में जाके इंडिपेंडेंस डे या फिर 15 अगस्त लिख दो। अरे हाँ गाइस यार जल्दी से कमेंट में जाके लिख दो यार। तो गाइस यार अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।